भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। और नौवां फेल दसवां फेल नेता का लड़का यहाँ बिहार में राज कर रहा है, और वो हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि हमको बैठा दो फिर से तो हम सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को राज चाहिए। राज चाहिए, नौकरी तो अपने आप आएगा। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा की मजबूरियों पर बात करते हुए कहा, देश में लोकसभा का रिजल्ट ऐसा आया है कि बीजेपी वाले चाहें भी तो नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते हैं, और बिहार की जनता नीतीश कुमार को हटाने के लिए कमर कसके बैठी हुई है। बीजेपी को दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा, और अगर नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए, दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है। वहीं प्रशांत किशोर ने नीट पेपर कांड पर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि बीते दो दिन पहले मुझे एक लड़के ने बताया कि पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे दिन रात अपना हाड़ मांस गलाकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता किसी नेता को नहीं है। पढ़े लिखे लड़के मुंबई दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो वहीं पीके ने तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि देखने वाली बात यह है कि नौवीं फेल नेता का लड़का बिहार में राज कर रहे हैं। सभी लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं कि हमें गद्दी में बैठा दो तो हम सबको नौकरी दे देंगे। मैं बिहार के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आपको नौकरी चाहिए या अधिकार, नौकरी चाहिए या राज? बिहार के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, अब हमें राज चाहिए। नौकरी तो अपने आप में मिलेगी। दो दिन पहले अभी हमको एक लड़का आके बता रहा था पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे रात दिन अपना हाड़ गला के पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। पढ़े लिखे लड़के बॉम्बे में दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और नौवां फेल दसवां फेल नेता का लड़का यहाँ बिहार में राज कर रहा है, और वो हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि हमको बैठा दो फिर से तो हम सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी चाहिए कि अधिकार चाहिए? नौकरी चाहिए कि राज चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को राज चाहिए। राज चाहिए, नौकरी तो अपने आप आएगा। राज तुम करोगे और नौकरी के लिए भीख हम लोग मांगेंगे, ये नहीं हो सकता है। बहरहाल बिहार की सियासत इन दिनों काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है, कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।